हे दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए द होम मिनिस्टर को और बेल का बटन भी दबाइए ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ कोई फूड रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं एक सिंपल सी टिप शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, जब भी हम मार्केट से एप्पल लाते हैं तो हमको लगता है कि ये बहुत ही ऑर्गेनिक है और इसमें कोई केमिकल नहीं हो सकता है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, एप्पल की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इस पे बहुत ज्यादा वैक्स लगाया जाता है ताकि ये जल्दी से खराब ना हो। तो इसके ऊपर मोम की कोटिंग की जाती है फ्रेंड्स, जो हमें साधारण आंखों से नहीं दिखती है, लेकिन इस पर बहुत ज्यादा वैक्स होता है। तो दोस्तों, जब भी आप नेक्स्ट टाइम एप्पल लाएं तो उसे खाने से पहले ये जरूर कर लीजिए। हो सकता है दोस्तों आप पहले से इसे फॉलो कर रहे हो, लेकिन वह व्यूअर जो ये नहीं जानते हैं उनके लिए तो ये वीडियो काफी यूजफुल है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप मार्केट से एप्पल लाएं तो उसे एक बार साधारण पानी से धो लीजिए और फ्रिज में रखिए। और जब भी आप इसे खाने वाले हैं या बच्चों को देने वाले हैं, तब आपको कुछ इस तरह से इसे धोना है। ये देखिए, मैंने कुछ एप्पल ले लिए हैं। फ्रेंड्स, जो एप्पल आप खाने वाले हैं, तुरंत ही काटने वाले हैं, उसे ही बस धोना है। ये देखिए दोस्तों, नाखून से खुरचने से वैक्स आसानी से बाहर निकल रहा है। तो ये दोनों एप्पल को हम वॉश करेंगे, और बाकी के एप्पल आपको वॉश नहीं करना है। आप उसे वैसे ही फ्रिज में स्टोर कीजिए और सिर्फ खाने से पहले उसे धो लीजिए। तो मैंने एक ये बोल ले लिया है, इस पर एक एप्पल रख देंगे। और ये मैंने एकदम गर्म पानी लिया है, एकदम खौलता हुआ पानी है, आप धुआं भी निकलता देख सकते हैं। और ये पानी हम एप्पल के ऊपर डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, वैक्स पूरा ऊपर तैरने लगा है। गर्म पानी होने की वजह से फ्रेंड्स, वैक्स आसानी से निकल आता है। ये देखिए, सारा वैक्स पिघल कर पानी में आ गया है। एक सेकंड के लिए इसे इसी तरह से डूबे रहने देंगे और अब इसे बाहर निकाल लेते हैं और एक किचन नैपकिन से इसे साफ कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे दोबारा से सादे पानी से धो सकते हैं या फिर इस पे थोड़ा सा और गर्म पानी डालकर फिर पोंछ सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सारा वैक्स इसका निकल गया है और अब ये खाने के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। दूसरे एप्पल को भी धोकर बताती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, गर्म पानी में थोड़ी देर डुबो लिया है। दोस्तों, पानी बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए ताकि सारा वैक्स आसानी से पिघल कर निकल जाए। और बस थोड़ी देर के लिए इसे पानी में डूबे रहने दीजिए। इसे मैं दोबारा से धो रही हूँ क्योंकि पानी थोड़ा ठंडा हो चुका था। एकदम गर्म पानी में इसे हम दोबारा से डुबो लेंगे। एप्पल को चारों तरफ घुमाते हुए हम अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, अब सारा वैक्स इसका निकल चुका है और ये खाने के लिए बिल्कुल सेफ है। साफ कपड़े से इसे पोंछ लीजिए। ये देखिए दोस्तों, पानी में वैक्स आ चुका है। कांच का बर्तन होने की वजह से आप एकदम क्लियर नहीं देख पाएंगे फ्रेंड्स। और दोस्तों, अब ये एप्पल खाने के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। अब आप इसे कट कर लीजिए, बच्चों को दीजिए, फैमिली में दीजिए। दोस्तों, सिर्फ 2 मिनट का टाइम लगा ये करने में, और ये छोटी सी चीज से हम अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ पर काफी ध्यान दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आप जब भी एप्पल लाएं तो खाने से पहले उन्हें इस तरह से जरूर धो लीजिए। और अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और ऐसे और भी यूजफुल टिप्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।